हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं जा रही हूँ हेयर सैलून और मैं अपने बालों को कटवाने मतलब कटिंग करवाने जा रही हूँ। मेरे बालों की लेंथ अभी देख लो, अभी इतनी है। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने अपने बालों के साथ कुछ गड़बड़ कर दी थी, तो उन्हें ठीक करवाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा हेयर सैलून। और अब जा रही हूँ मैं, और फिर मैं दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मेरे बालों की कटिंग हुई है। तो मिलती हूँ वहाँ सैलून में। ओके, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मुझसे अक्सर यही क्वेश्चन किया जाता है कि दी आप अपने बालों को लॉन्ग, शाइनी और हेल्दी रखने के लिए क्या करते हो। अगर आप लोग मुझसे पहले से ही जुड़े हुए हैं, आप लोग मुझे जानते हो, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं अपने बालों के लिए अक्सर नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स का ही यूज़ करती हूँ। बट आजकल मैं अपने बालों में ऑयलिंग के लिए आजकल जो यूज़ कर रही हूँ वाओ का, ये है टेन इन वन मिरेकल हेयर ऑयल। इसमें 10 टाइप के ऑयल्स को मिला के बना हुआ है, और ये बिल्कुल सारे के सारे जो ऑयल्स हैं वो नेचुरल ही हैं। इसमें किसी भी तरीके का पैराबीन या फिर एक्स्ट्रा मिनरल ऑयल्स का यूज़ नहीं किया गया है, विच इज़ वेरी गुड। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये ना जो ब्रांड है ये बिल्कुल क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स को बनाता है। इसमें किसी भी जानवर को, एनिमल्स को हार्म पहुँचाए बिना ही इसके प्रोडक्ट्स तैयार किया जाता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इनका। और ये जो ऑयल है, अगर आप 2 से 3 बार, जैसे कि मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन गई थी, और आउट ऑफ स्टेशन जाने के कारण मेरे हेयर फॉल होना शुरू हो गया था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस ऑयल को यूज़ करके देखा। 2 से 3 बार मैं यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा लगा है। 60-70% मुझे इसका इफ़ेक्ट मिल गया, एंड मैं अब इसको अपने स्कैल्प से लेके अपने बालों के एंड तक लगाती हूँ। और लगाने के 1.5 घंटे के बाद मैं शैम्पू कर लेती हूँ। ठीक है, इसमें 10 in 1 ऑयल है, यानी कि 10 तरीके के ऑयल्स का यूज़ किया गया है, जिससे आपके बालों की हेयर फॉल रुक जाती है, आपके बाल हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं, आपके बालों में स्मूथनेस आ जाती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं, क्योंकि सर्दियों का टाइम आ गया, ऑब्वियसली बात है कि बाल फ्रिजी होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इस हेयर ऑयल का यूज़ करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम होनी बंद हो जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद मैं शैम्पू का यूज़ करती हूँ, और शैम्पू के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाओ का ही एप्पल सीडर विनेगर शैम्पू। इस शैम्पू की इस टाइम पे इतनी डिमांड है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने मतलब 2 से 3 बार इसको परचेज़ करने की कोशिश की थी, बट हर बार ये सोल्ड आउट रहता था, नॉट अवेलेबल रहता था। बड़ी मुश्किल से मुझे ये शैम्पू अवेलेबल हुआ, और कंडीशनर मैं आपको आगे दिखाऊंगी वो अवेलेबल हुआ। इतनी डिमांड है इस वाले शैम्पू की। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हैं और बहुत हेयर फॉल हो रही है, तो आपको 100% इस वाले शैम्पू का यूज़ करके देखना चाहिए, क्योंकि हेयर फॉल होने के कारण ना बालों में गंजापन आना शुरू हो जाता है बिल्कुल, जो कि गर्ल्स के लिए ना बहुत बड़ी बात होती है अगर गंजापन दिखाई देने लग जाए तो। ठीक है, जेंट्स का चलता है, बट नहीं, आजकल उनका भी नहीं चलता यार। तो ठीक है, आपको अगर आपके हेयर फॉल हो रही है, फ्रिजी हेयर है, तो आपको एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू का यूज़ करके देखना चाहिए। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। इसको भी मैंने 2 से 3 बार यूज़ कर दिया है, बाल स्मूथ हो जाते हैं, बालों में ना जो टैंगल से बने रहते हैं वो नहीं होते हैं। और ये भी ये क्लेम करता है कि ये डीटीएच ब्लॉकर्स, सबसे पहला क्लेम इसका ये हो गया। सेकंड क्लेम ये है कि ये पैराबिन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, मिनरल्स का इसमें यूज़ नहीं किया जाता है, सल्फेट फ्री है। तो अगर ये वाली चीज़ें इसमें हैं, दैट मीन्स आपके बाल नेचुरल इन्ग्रीडियंट के बने शैम्पू का ही यूज़ कर रहे हैं, और ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पर जिस तरीके से हेयर वॉश करती हूँ, मैं उसी तरीके से हेयर वॉश करती हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हाँ मैं इस तरीके से हेयर वॉश कर रही हूँ, या मैं ऐसे हेयर वॉश करती हूँ, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं सिर्फ खड़े होकर हेयर वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे जेन्युइन चीज़ों को आपको बताना है। तो मैं रेगुलर जिस तरीके से हेयर वॉश करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही आपको करके दिखा रही हूँ, और ये मैं शुरू से करते आ रही हूँ, मुझे इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखता है। वीडियो बनाने के लिए मैं आपको सिर्फ खड़े होकर मैं हेयर वॉश कर दूँ और फिर उसके बाद दिखाऊं कि हाँ मैं इसी तरीके से हेयर वॉश करती हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास ना इतना टाइम नहीं होता है कि नहाने के टाइम पर ही हेयर वॉश करें, क्योंकि मेरे को तो जब टाइम मिलता है मैं अपने हेयर में ऑयल लगाती हूँ और उसके बाद मैं जाके अपने हेयर को वॉश कर लेती हूँ। तो यही मेरा तरीका है हेयर वॉश करने का। और या
यहाँ पर मैं शैम्पू करती हूँ तो शैम्पू को मैं डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करती हूँ, पहले उसको मग में डालती हूँ, थोड़ा सा पानी लेती हूँ और उसके बाद हल्का सा शैम्पू जितना मेरी लेंथ है हेयर की उसके बाद उसमें शैम्पू डाल के और फिर अपने हेयर को वॉश करती हूँ। ये मेरा तरीका है और ये बिल्कुल सेफ तरीका होता है। डायरेक्ट हम अपने डायरेक्ट अगर शैम्पू को स्कैल्प पे अप्लाई करने से बचे तो बेस्ट रहेगा। और अगर आप बालों को वॉश कर रहे हैं, सर्दियों का टाइम आ गया है, तो आप कोशिश यही करें कि गुनगुने पानी से वॉश करें, बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर से या फिर बहुत ज़्यादा गर्म पानी से हेयर को वॉश ना करें। ठीक है, एप्पल साइडर विनेगर है ये आपके बालों को हेयर फॉल को रोकता है, ये आपके बालों को स्मूथ बनाता है, थिकनेस लाता है। थिन अगर हेयर है थिकनेस लाना शुरू करेगा अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं तो। अब मैं इसके बाद कंडीशनर के लिए यूज करती हूँ वाओ का ही कोकोनट प्लस में अवोकाडो कंडीशनर है, इसका यूज करती हूँ। मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो ये है वाओ का कंडीशनर, ये है ऑर्गेनिक वर्जन कोकोनट ऑयल प्लस में अवोकाडो ऑयल। कोकोनट और अवोकाडो दोनों ही हमारी स्किन, हमारे हेयर और हमारी बॉडी के लिए बेस्ट होते हैं। ये हमारे बालों के लिए इतने अच्छे हैं ना कि अगर आपके बाल स्मूथ नहीं है, फ्रिजी रहते हैं, बार बार मैं यही चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि सर्दियों के टाइम पे ना अक्सर बाल फ्रिजी हो जाते हैं, तो अगर आपके बाल स्मूथ नहीं है, फ्रिजी रहते हैं, तो आपको इस कंडीशनर का यूज़ करके ही देखना चाहिए। ये भी यही क्लेम करता है कि इसमें किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा केमिकल यूज़ नहीं किया गया है, सेफ फॉर कलर ट्रीटेड हेयर, सबसे बड़ी बात। ठीक है, ये पीएच बैलेंस को बिल्कुल इक्वल रखता है। ओके, जो आपके हेयर का पीएच बैलेंस होना चाहिए वही रखता है। ये भी क्लेम कर रहा है कि ये उन हेयर्स के लिए है जिनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं और जिनके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, तो उनके लिए भी ये कंडीशनर बिल्कुल बेस्ट है। आप एक चीज़ लास्ट में बताना चाहूँगी कि अगर आप इनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कितने ज़्यादा मतलब अगर आप इनकी ऑथेंटिसिटी जानना चाहते हैं तो यहाँ पर इनका होता है QR कोड। अगर आप इसको स्कैन करते हैं तो इनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में पता चल जाता है, इनकी क्वालिटी के बारे में पता चलता है, यानी आप ये देख सकते हैं कि हाँ ये जो जो क्लेम करते हैं वो चीज़ें हैं या नहीं। ओके, तो इन तीनों प्रोडक्ट के बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी मेरे हेयर से रिलेटेड। अब मैं आती हूँ सलॉन में, तो चलते हैं सलॉन में। हे एवरीवन, अब मैं सैलॉन में आ चुकी हूँ और यहाँ मैं वेट कर रही हूँ अपने हेयर वॉश के लिए, क्योंकि ना उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि अपना कटिंग से पहले हेयर वॉश करवा लो, तो मैंने हेयर वॉश करवाया और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हेयर वॉश किया था, मुझे ऐसा फील तो नहीं हो रहा था कि मेरा हेड पेन कर रहा है, बट जब उन्होंने मेरे हेड वॉश किया और बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब हेड वॉश किया, हेड को दबाया, तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिला, तो इसीलिए मैं बहुत खुश थी के हेयर वॉश से। और यस, वो बहुत अच्छे तरीके से हेयर वॉश कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने कंडीशनर भी किया, और कंडीशनर करने के बाद वही वाला जो प्रोसेस होता है शैम्पू कंडीशनर एंड सीरम वाला, उन्होंने वो वाला जो प्रोसेस था वो अप्लाई किया। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, मैंने ये करवाया है गुड़गांव में गोदरेज समिट है, उसके सामने ज़ारा अपार्टमेंट्स आता है, तो वहाँ पर इनका सैलॉन है और ये है ब्राउन बॉक्स के नाम से सैलॉन है। जिस टाइम पे मैं गई थी ना उस टाइम पे कोई भी नहीं आया था, तो मैं बहुत ही आराम से और बहुत अच्छे से मैंने अपना हेयर कट और मतलब जो हेयर मेरा हेयर ट्रीटमेंट होना था वो हुआ, तो यस ये चीज़ मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी और उन्होंने मेरा हेयर कट भी बहुत अच्छे से किया था। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी कि पता नहीं कैसा कट होगा, बट उन्होंने कहा कि नहीं आपके आपने जिस तरीके से अपना फ्रंट हेयर कट करवा लिया था यानी कर लिया था, तो आप टेंशन मत लो, मैं उससे मतलब उसके अकॉर्डिंग ही आपके हेयर कट करूँगा। मेरे हेयर ना बहुत लंबे हैं, मेरे बाल ना लंबे हैं और जब वो कट रहे थे ना मुझे एक एक लेयर कटने पर इतना दुख हो रहा था, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे कितना दुख हो रहा था मेरे बाल जब कट रहे थे, बट यार अब अपनी बेवकूफ़ी से मुझे अपने इतने लंबे बाल को कटवाना पड़ा, बट क्या करूं, चलो नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी। और उन्होंने भी मुझे बोला कि मैम नेक्स्ट टाइम से आप बिल्कुल भी कभी भी ऐसा मतलब एक्सपेरिमेंट मत करना। तो यस, अभी मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने कितने लंबे बाल काटे हैं मेरे,
और उन्होंने मुझे दिखाया ना, मैंने यस तो कर दिया, बट मेरे को ना बड़ा डर लग रहा था यार, इतने छोटे बाल हो जाएंगे कैसा लगेगा। बट मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा मेरा हेयर कट। और ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये मेरे हस्बैंड ही कर रहे थे, वो मेरा बहुत साथ देते हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। अपने हस्बैंड को मैं थैंक यू बोल रही हूँ, और अगर वो ना होते तो शायद इतने अच्छे तरीके से मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। और उन्होंने पहले इनसे परमिशन ली और फिर उसके बाद ही वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, क्योंकि एक होता है ना कि भाई सामने वाला क्या सोच रहा होगा, तो इसलिए सबसे पहले उनसे उन्होंने परमिशन ली एंड फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। और हाँ, इनका भी अपना एक यूट्यूब चैनल है, आई थिंक ब्राउन बॉक्स के नाम से ही होगा। मैं इनका जो लिंक है, यूट्यूब लिंक, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। सो यस, इन्होंने कटिंग भी बहुत अच्छी करी और फिर इन्होंने मेरे बालों में हेयर ड्रायर किया और फिर बालों में कर्ल दिया। सो बहुत अच्छा था और इनका प्राइस भी मुझे काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अच्छा लगा इनका प्राइस। इन्होंने 400 में मेरी कटिंग करी, हेयर कटिंग, और इनके पास ना टाइम टाइम पर कॉम्बोज भी आते रहते हैं। तो अगर आप भी गुड़गांव में रहते हैं और स्पेशली गोदरेज समिट के आसपास रह रहे हैं, तो आप यहाँ पर आइए और अपने हेयर कटिंग या फिर जो भी आपको करवाना हो, इनके पास फेशियल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मतलब इन ये फेशियल, मैनीक्योर, पेडिक्योर बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो आपको कुछ भी करवाना हो तो आप यहाँ पर एक बार आके चेक ज़रूर करना। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये स्पॉन्सरशिप वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे इनका काम अच्छा लगा था तो इसीलिए मैं इनके बारे में मैं इतना डिस्क्राइब कर रही हूँ और बता रही हूँ आप लोगों को एक एक चीज़ें कि अगर आप भी आसपास रहते हैं यहाँ पे, तो आप आकर एक बार ज़रूर चेक करें। एंड में आप देखना कितनी अच्छी इन्होंने कटिंग करी है, रोल होने के बाद तो और भी प्यारे लग रहे थे। इन्होंने मतलब पहले कटिंग करी, फिर मुझे दिखाया कि हाँ आपकी कटिंग होने के बाद ऐसे बाल लगेंगे, क्योंकि मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि ऐसा नहीं हो कि कटिंग हो गई और उसके बाद मेरे बालों में मतलब दिख ही नहीं रहा कि हाँ मैंने कुछ करवाया है। तो उन्होंने एक एक स्टेप करने के बाद मुझे पहले दिखाया है कि मैम आपके बाल ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे हो रहा है, और फिर उसके बाद ही उन्होंने मतलब आगे प्रोसेस शुरू किया। तो ये चीज़ भी मुझे ना बहुत बहुत अच्छा लगा उनका। सो यस, मुझे उनकी कटिंग बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, एंड मैं इनकी कटिंग में दिखाऊंगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा और मेरा न्यू लुक कैसा लगा। अपने लंबे बालों को मैंने आज बाय बाय कर दिया और छोटे बाल मेरे हो गए हैं, बट यार अपने घर की खेती है, मैं बढ़ा लूँगी इन बालों को, ऐसा नहीं है कि मेरे बाल नहीं बढ़ेंगे, बट ठीक है ना, लुक चेंज हो जाता है ना तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, तो ठीक है कोई नहीं। सो यस, ये था मेरा न्यू हेयर कट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगे तो मुझे ज़रूर बताना। तो यस, आप देखिए मेरे हेयर कट का फाइनल लुक और बताइए कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना यार, आप लोगों के कमेंट का मुझे वेट रहता है। Darling, I've been tempted by the darkness, telling me that I should throw it all away. Fight so hard, my heart is hardly helpless. Find myself so desperate on my own.